हेलो हेलो केदारनाथ खूब मौके पर आ गए। हाँ विराज जी, हम सब मिलकर आज आखिरी खाना खाएंगे। आखिरी खाना तो और क्या, कल तो हम ये भयानक जंगल छोड़कर सुंदर नगर चलेंगे। सुंदर नगर चलेंगे क्यों, मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे लिए तो यहाँ बहुत अच्छा है। आजादी से इस जंगल की खुली हवा में खेलने कूदने दौड़ने भागने का कितना मजा आता है। तुझे तो मजा आता है और मुझे तकलीफ उठानी पड़ती है। शांता तू तो पगली है। पगली, तकलीफ कैसी? अगर मैं और केदारनाथ इस जंगल में ना आते तो इस सोने की कान का पता कैसे चलता होला? कमान केदारनाथ, आज एक एक जाम पिए अपनी हिस्सेदारी की खुशी में। नहीं बल्कि हिस्सेदारी की खात्मे की खुशी में। मतलब खबरदार हिलना मत। बेवकूफ, क्या तू केदारनाथ को इस कदर भोला भाला समझा था जो तुझे इस दौलत का हिस्सेदार बनाएगा? जंगली, ये दौलत ढूंढने का सारा काम तो तूने मेरे ही लिए किया है, समझा? बदमाश बच गया, अब तैयार हो जा।
क्या गधे की तरह हान बजा रहा है। मिस्टर प्यारेलाल, आपके डायमंड टाउन के फल कितने मजेदार हैं। काश मेरी बजाय प्रिंस रंजीत सिंह जी खुद यहाँ आ गए होते तो बहुत खुश होते। फिर भी उन्होंने आप जैसे होशियार काशिद को भेजकर हम पर बड़ा उपकार किया। क्या बात कही आपने, जब दिल से दिल मिल जाता है तो सर से सर टकरा जाता है। खबरदार, मोटर चालू रखना वरना छुरी सीने से पार हो जाएगी। तो तुम खुद हो जो केदारनाथ से मिलकर डायमंड टाउन की सारी प्रजा को लूट रहे हो। देखो मिस्टर डाकू, मैं प्रेम संजीव का खास मित्र और फांसी भी। बैठ जाओ। अगर प्रिंस रंजीत को प्रजा का ख्याल होता तो वो तुम जैसे बेवकूफ को भेजने की बजाय खुद आकर सारा हाल मालूम कर लेते। मोटर चालू रखो। हैंड्स अप। खबरदार, हिलना मत। तुझे टिकट दिलाई, मोटर क्यों नहीं रोकी? जी चाहता है कि कहीं से तोप का धड़ाका हो जाए और खास खास तेरा जिस्म भी खत्म हो जाए। ठहर जा, मैं केदारनाथ जी के पास जाते ही तुझे नौकरी से बरतरफ करवा दूंगा। से पहले मैं खुद नौकरी छोड़ देता हूँ, इसी महीने में, आज इसी वक्त। क्या बात कही आपने। लेकिन पंक्चर बनाना तो मुझे नहीं आता और मुझे भी नहीं, कोई हर्ज नहीं, पंक्चर का सामान भी कहाँ है। हाय हाय, अब तो चलकर ही जाना होगा। चलो चलो चलो। Thank you.
भाइयों, अब मिस्टर पोपटराम, बम गोला और मास्टर छोटू अपना पुरमजाक कॉमिक डांस पेश करेंगे। बहनों और भाइयों, आज का जलसा एक और नृत्य के बाद तमाम होगा। आप मेहरबानों ने शरीक होकर हमें जो दाद दी है, मैं उसका अपनी लिटरेसी कैंपेन कमेटी यानी साक्षरता प्रचार कमेटी की तरफ से आपका उपकार मानता हूँ। हम श्री यू जमुना प्रसाद के भी बहुत आभारी हैं कि जब हमें पैसा भर कर भी टाउन हॉल में जलसा करने की आज्ञा न मिल सकी तो आपने अपना होटल मुफ्त दे दिया। खूब की जमुना प्रसाद जी, खूब की। क्या कहने, क्या कहने। शाबाश जमुना प्रसाद जी, शाबाश। धन्य है, धन्य है। क्या कहने। ये कैसा शोर मचा रखा है? कितुमिया, तुम ही पढ़ लो, मेरा तो दिल नहीं लगता। साक्षरता प्रचार, एक दो जहालत की जंजीर तोड़ दो, अंधेरे में उजाला। है वो क्या कितुमिया? ये कोई नाटक कंपनी का नाम मालूम होता है। जो कुछ भी हो, सेठ केदारनाथ जी की आज्ञा बगैर कोई जलसा नहीं हो सकता। चलो दोस्तों, खबर लें। यही हमारा धर्म है, यही हमारा फर्ज है। प्रिय सज्जनों, हमारे प्यारे देश की तालीम के बारे में जो प्रस्ताव आज हमारे सामने है, उसके महत्व और जरूरत पर मैं इस शुभ अवसर पर कुछ शब्द कहने की आज्ञा चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों, तालीम हाँ हाँ कहो, तालीम क्या? प्यारे दोस्तों, तालीम आजादी का पहला जीना है। विचार कीजिए,
जिस देश की आबादी में सिर्फ 1% यानी 8% पढ़े लिखे लोग हों, वो देश आजादी हासिल करने की कोशिश किस तरह कर सकता है। किसी ने सच कहा है कि ज्ञान ही का नाम शक्ति है। देखिए, विद्या की ज्योत जलाकर अंधेरे में उजाला कर दो, इल्म की तलवार हाथ में लो, लिखो पढ़ो हिम्मत करो आगे बढ़ो, कलम की शक्ति से जहालत की जंजीर तोड़ दो। इसलिए दोस्तों आओ, सबसे पहले हम आजादी के पहले जीने पर कदम रखें, यानी अपने देश के हर छोटे बड़े को पढ़ा लिखा बना दें और उस जहालत के भूत को नाश कर डालें जो हमारी तरक्की की राह में कांटा बना हुआ है, जो हमारे वहम का कारण है और जिसकी वजह से आज हम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से दूसरे देशों से बहुत पीछे हैं। ए मिस्टर, छोड़ दो इस बकवास को। कौन लिखना पढ़ना चाहता है? क्यों ओ पंडित जी, हम तो यहाँ नाच देखने आए हैं, नाच भाषण सुनने नहीं। क्यों ठीक है? कहाँ है नाच वाली? अगर मेरा बस चले ऐसे काम शेरों पर लात मार कर शहर के बाहर निकल दे। ये हिंदुस्तानी हिटलर यहाँ कहाँ से चपक पड़ा? शांत हो भाइयों, शांत हो। अब हम आखिरी प्रोग्राम पेश करके आज का जलसा समाप्त करेंगे। अब हमारी नवयुग विद्यालय की टीचर मिस राधा देवी का नाच। बात पंडित जी। शुक्रिया, ईश्वर आपकी मेहनत का फल दे। आपकी दुआओं से। पिताजी, नाच तो अच्छा था ना? क्या तालियों की गवाही तेरे लिए कम थी? मेरे ख्याल में तो राधा देवी अच्छी रही। जी नहीं, पूरा जलसा अच्छा था। चलो घर चले। जमुना प्रसाद जी, आज तो आपकी बेटी माधुरी का बंबई से वापस आने वाली थी ना? हाँ। तो फिर आई क्यों नहीं? नहीं आई तो मैं क्या करूं? बंबई में तालीम हासिल करके तो तमाम जवान लड़कियां आजाद हो जाती हैं। अगर मेरा बस चले तो। लेकिन आपको तो उसे लेने के लिए स्टेशन पर तो जाना था। कैसे जाता? इस जलसे के काम काज से फुर्सत मिलती जमुना? 5 साल के बाद वो आ रही है, न जाने कितनी बदल गई होगी।
वाकई बा कमाल नाच था। क्यों आ, 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 क्या कहना, कमाल है कमाल। मुझे जाने दो। हजी अब जाना ही कहाँ है, जलसा तो खत्म हो गया। क्यों अजी, बिल्कुल सच कहा। आओ जरा दिल बहलाए। ये नया, ये ये ये। एक और हमारी तरफ से भी। अगर मेरा बस चले तो ऐसे नीच कुत्तों को लात मारकर शहर के बाहर ढकेल दूं। जन्ना पट्टा जी, छोड़ दो मुझे। बदमाश पाजी, निकल यहाँ से, वरना मैं तेरे बूढ़ा कहीं का। ये बात है, अभी अभी देखा जाएगा। चिकुमिया, जो कोई सामने आ जाए उसका सीना चीर देना। छोड़ दो मुझे। अब मेरे हाथ से बच्चों नहीं आ सकती। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। एक बेबस औरत के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। मधुरिका, हेलो राधा। बेटी मधुरिका, तू आ गई, मैं कब से तेरी राह देख रहा था। मगर इस लिबास में कैसे? चूंकि बहुत अरसे के बाद डायमंड टाउन वापस आई हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि लाओ जरा साइकिल पर बैठकर शहर देखती चलूं। ओह, ला मेरा चाकू मुझे दे। पिताजी, हर बात पर चाकू निकालने की आदत नहीं गई। बेटी, बंबई की हवा ने तो तेरी काया ही पलट दी। ये सब विमेन जिमनेजियम की तालीम का प्रताप है, लेकिन ये बदमाश कौन? केदारनाथ का स्पेशल टेलीफोन। मैं केदारनाथ जी का खास एजेंट हूँ। क्यों? हाँ। मेरा अपमान उनका अपमान है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मैं मर्द हूँ, मर्द। क्यों? हाँ। देखो मिस्टर, आजकल की औरत को इतना कमजोर मत समझो कि वो मर्दों की मार खा कर बैठ रहे। हिंद को आजाद होना है तो फिर हिंदी औरतों को भी आजादी देनी पड़ेगी, और अगर तुम जैसे नीच लोगों ने दखल दिया तो उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। मुंह से मोती बरस रहे हैं, ये क्या बत्ती है? काम का
हमारे सर तोड़ते हो। लो बाबा हम यहाँ से चले जाते हैं। हाँ रहो, कहाँ जाते हो? पहले इसका फर्नीचर अच्छी तरह से जाओ, नहीं तो इस अलमारी से तुम्हारा कचू मैं बना दूंगा। शाबाश बच्चों, तुम दोनों ने तो हैरत अंगेज ताकत का सुमत दे दिया और इस सुनहरी टोली की ग्रिड पर पानी फेर दिया। हट जाओ, हट जाओ। चलो काम करो। इधर रखो। अरे इधर किधर रखता है? इधर रखो। अरे इधर नहीं, उधर रखो। एक तुम क्या देखता है? चलो काम करो। मगर आप यहाँ कैसे आ गए? मैं तो गड़बड़ सुनकर अंदर आ गया और जब इस कायर को आप पर पीछे से वार करते हुए देखा तो फौरन आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। थैंक यू। लेकिन ये बदमाश है कौन? डायमंड टाउन की म्युनिसिपैलिटी का कचरा। खबरदार जो हमारी इज्जत पर हमला किया। खामोश, साइलेंट। अगर मेरा पास चले तो ऐसे तमाम मवालियों को लात मारकर शहर के बाहर धकेल दूं। भला नेकी और पूछ पूछ मुझसे कहिए, मैं निकाल दूं। जब मैं केदारनाथ जी को इस हाल से वाकिफ कर दूंगा तो तुम्हारी खैर नहीं। दादू जी का कहना बिल्कुल ठीक है। मालूम होता है कि इसकी मौत नजदीक है। भाई मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? मुझे दिलेर कहते हैं। दिलेर यानी? सिर्फ दिलेर। ताज्जुब, पूरा नाम तो नहीं बता देते। एक चोर अपना नाम कैसे बता सकता है? ये तुम क्या कह रहे हो? डायमंड टाउन में सिर्फ एक ही आदमी इतनी ताकत रखता है और वो अपने आप को दिलेर डाकू कहता है। यही वो दिलेर डाकू है। मैं एक जेंटलमैन हूं और एक डाकू को अपने घर में पल भर भी ना रहने दूंगा। जरूर दादू झूठ कह रहा है। इनकार कर दीजिए, इनकार कर दो। जी चाहता है कि इनकार कर दूं। अगर बदमाश डाकू फाजी, निकल जाए यहाँ से अभी इसी वक्त। फौरन चला जा। पिताजी छोड़ दे, पिताजी की बात। चला जा, निकल जा वहाँ। चल चल चल, इसको तो फौरन पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। बेटा तुम कायदे के खिलाफ अपनी जिंदगी बसर कर रहे हो। शरण हो जाने में ही तुम्हारी शोभा और कीर्ति है। अगर तुमसे नहीं हो सकता तो मैं उसे गिरफ्तार करता हूं। ओ बदमाश! मौका है इतने में चले जाओ, वरना ईश्वर की दी हुई ताकत की कसम मैं सबों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। देखा इस बारवटे ने किस तरह अपनी धौंस जमा रखी है। बात जबान काबू में रखो, मैं खुद तुम जैसे अक्कल के अंधों के पास रहना नहीं चाहता। पकड़ लो उसे, जाने न पाए। पिताजी
जाओ हट जाओ। Hey, तुम कौन हो? मुसीबत के चक्कर में फंसा हुआ इंसान जिसने झक मारी के डायमंड टाउन में आना पसंद किया। बदतमीज कहीं का नहीं मालूम किधर से आता है। कौन टिकट दिया तुम लोग को? लीजिए लीजिए। दो मुझे। लीजिए लीजिए। माधुरी का बंबई की सोसाइटी ने तुझे आजादी का सबक खूब अच्छी तरह सिखा दिया है। आए? अगर मेरा बस चले तो आजकल की तमाम लड़कियों को लाल मार के शहर के बाहर फेंक दूं। क्या कहा बदमाश पार्टी कुत्ते। मिस्टर प्यारे लाल जी, अब तो अपनी मंजिल पर पहुंच गए ना? जी हाँ। और जी नहीं, यानी ये कि आपका मुकाम तो यही है मगर पहले आपको केदारनाथ जी से मुलाकात करनी है और केदार महल यहाँ से और भी 2 मील दूर है। क्या बात कही आपने। आई चलिए। तो उन टुकर घदों की यहां तक हिम्मत बढ़ गई कि वो केदारनाथ के आदमियों पर भी हाथ उठाने लगे। आह देखा जाएगा। मामूल के मुताबिक 11 के दिन कर वसूल किया जाएगा। उस वक्त मैं खुद वहां पहुंच जाऊंगा और उन बेवकूफ के बच्चों से दुगना कर वसूल करके इस बदतमीजी का बदला लूंगा। अब तो दिलेर डाकू की असलियत भी हमें मालूम हो गई है, उसको गिरफ्तार कर। दिलेर डाकू के हथकंडों का मुझे इतना खतरा नहीं जितना के मधुरिका जैसी एक आजाद लड़की के ख्यालात। इससे पहले कि वो डायमंड टाउन की प्रजा में अपने जहरीले विचारों की हवा फैला दे उसे कुचल देना ही जरूरी है। आदाब। आप हैं मिस्टर कृष्ण कुमार, हिज हाइनेस प्रिंस रंजीत सिंह जी के खास मित्र और कासिद। आदाब 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 आदाब। समझ में नहीं आता कि आप जैसे शरीफ अफसर के होते हुए भी प्रजा क्यों ही जानिब से शिकायत करती रहती है। प्रजा का तो यह हमेशा ही का रोना है, रियासत जितनी भी दाद दे कम पड़ती है। क्या बात कही आपने। लोबेरा सरकार, मिस्टर कृष्ण कुमार को अपनी गाड़ी में मकान पर लेकर जाओ और अच्छी तरह खातिर तवाजा करो। आदाब
आदाब आदाब आदाब आदाब नया जांगलू यहाँ कहाँ भूल पड़ा? अच्छा ही हुआ कि प्रिंस रंजीत अभी नहीं आए, वरना सारी पोल खुल जाती। प्यारे लाल, क्यों ना हाथ घबराते हो? अब तुम्हें हिसाब किताब में फेरफार करने के लिए काफी वक्त हाथ आ गया है। माफ कीजिएगा, जरा मैं अपनी छुट्टी भूल गया था। आधा वर्ष आधा वर्ष वाह वाह, आज तो डायमंड टाउन में कमाल की शांति है। शांति शांति। शरीफ आदमी की तरह बर्ताव करना सीखो। क्या बात कही आपने, और आप भी एक शरीफ औरत की तरह बर्ताव करना सीखिए। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, आधा वर्त। आपका खत है मधुरिका देवी। किसका खत है बेटी? हाँ हाँ पिताजी, एटिकेट के खिलाफ है, बाप अपनी बेटी का प्राइवेट खत नहीं पढ़ सकता। बॉम्बे में तो इसको अपमान समझा जाता है। देखो वो चली बम्बई वाली। हेलो माधुरिका। हेलो। बम्बई में अगर मेरा बस चले तो तमाम कब्बों को लात मारकर शहर के बाहर धकेल दूं।
इन बेवकूफों के पास पिस्तौल तक भी नहीं है। इसे क्यों मार रहे थे? पंजाब के बेटे ने हमारे दादोजी पर पार उठाया। केदारनाथ जी की हुकूमत में गुस्ताखी करने के अपराध में एक जानवर को भी सजा भुगतनी पड़ती है, क्यों? एक जानवर पर जुल्म करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? एक डाकू के साथ सुनसान जंगल में भटकते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बदमाश, हैंड्स अप, तबाह हो जाओ और अपना काम करो, जाओ। गिरफ्तार कर लो, ले चलो। बदमाश, छोड़ दो मुझे। वाह, देखो, मारो पत्थर, मारो। पंजाब के बेटे को तुम्हें अपने पास ही रखना होगा। दिलो जान से हमारी भी एक चमकती दमकती रंगीली छबीली सजीली लड़की है, जो बेचारी आजकल अकेली होने के कारण सारा दिन भों भों करके रोती है। भों भों करके? जी हाँ, और जब हम हैरान होकर उसके दुम पर एक लात मारते हैं तो वो चार पैरों से घुर करके भागती है। और पैरों से लड़की? भला तुम्हारी इस लड़की का नाम क्या है? जी वो सारी दुनिया में रोल्स रॉयस की बेटी के नाम से मशहूर और मारूफ है। रोल्स रॉयस की बेटी? बिजली कहाँ
अफ्रीका के जंगल में तूफानी तार्जन को हिंदुस्तानी सिखाने के लिए आती है साथ। मैं तो जा रही हूँ पानीपत के मैदान में मरे हुए सिपाहियों के भूतों से लड़ने के लिए, आती है साथ। अगर हमारी अफ्रीकन मैना और ये हिंदुस्तानी बुलबुल यहाँ से उड़ गई तो हमें हिमालय पर्वत पर जाकर माला जपनी पड़ेगी। इसका क्या बताओ। अरे हमारी बिल्ली और हमी से म्याऊ। अरे कहाँ की बिल्ली और कहाँ की म्याऊ। अरे कौन बात कर रहा है, हम तो बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं। खबरदार, भागने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठेगी। अकेली बाहर चलिया। बड़ी आई डायमंड टाउन की डायमंड क्वीन, ले जाओ इसे पहाड़ की चोटी पर और फेंक दो वहां से। लंगू, तुम पंजाब के बेटे पर नजर रखना, इस फटीली का फैसला हो जाने पर इसकी भी खबर ली जाएगी। Thank you.
पहाड़ पर से गिराने आए थे ना? हाँ, मगर एक वीर पुरुष की मदद से मैं बच गई। वो तो मेरा फर्ज था। उनमें सबसे बड़ा मुजरिम तो केदारनाथ है, जो कानून की आड़ में छुपकर अत्याचार कराता है। लेकिन अब तो हम पर उसकी सारी पोल खुल गई है, क्यों ना सबके सामने उसका भांडा फोड़कर उसे गिरफ्तार करा दिया जाए। अभी नहीं, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो खुद ब खुद छलक जाता है। सबसे पहले मैं एक और काम करना चाहती हूँ। वो क्या? मुजरिम मुजरिम को गिरफ्तार नहीं कर सकता। दिलेर, आखिर तुम एक डाकू हो, पहले तुम्हें शरण आ जाना चाहिए। शरण आ जाना चाहिए? किसके? केदारनाथ जैसे जहरीले सांप के? कभी नहीं। दिलेर, अब देर हो गई, मैं जाती हूँ, नहीं तो पिताजी मुझे लात मार कर शहर के बाहर धकेल देंगे। तुम इस बात पर विचार करो और कल जब मैं आऊँ तो जवाब में मुझसे हाँ कहना। Bye.
शोभा का बल जान जो नर बल है वो दुश्मन। क्या करूँ, चंपा पैर ही मुझे यहाँ घसीट लाते हैं। जीव खत्म हो जाने दो, फिर तुम्हारी खबर लेती हूँ। शुक्रिया, आप तो हमेशा ही हमारी खबर लेती रहती हैं। धनवान से अच्छे निर्धन, धनवान से अच्छे निर्धन, ये जीवन ये जीवन ये जीवन सफल बनाओ। बजरंग पुकारो, बजरंग पुकारो। सरकार की खिदमत में क्या दरख्वास्त है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजकुमार का वक्त बहुत कीमती है। जो कुछ कहना हो जल्दी से कह दो, वरना इस पलटन के सूरवीर सिपाहियों से तुम्हें फौरन शूट करवा दूंगा। आज छुट्टी है, शिक्षिका को सलाम करके घर जाओ। चलो 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 चलो। अगर मैं डाकू बना हूं तो वो सिर्फ दुश्मनों को नीचा दिखाने के लिए। मैंने किसी निर्दोष पर कभी वार नहीं किया। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि डाकू बनना किसी सूरत में भी अच्छा नहीं है दिलेर। मधुरिका, अगर कोई मुझे एक भूखे शेर के सामने छोड़ दे तो मैं उसका मुकाबला अच्छी तरह कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे सामने सर उठाने की जरूरत नहीं कर सकता। मुझे तो पहले ही से तुम पर विश्वास था दिले। आंखें फाड़ कर अच्छी तरह देख लो कि दादू ने जो कुछ कहा था वो सच है या नहीं। यही वो जगह है जहां तुम्हारी लड़की इस डाकू से मिलती रहती है, प्रेम करती है। खामोश, बंद कर अपनी जहरीली जबान। यहाँ तक हिम्मत बढ़ गई? पिताजी, हट जा। पिताजी की बच्ची अपनी तालीम को खाक में मिला रही है, अपने कुल को कलंक का टीका लगा रही है।
आप फजूल बकवास कर रहे हैं पिताजी। मेरे समझाने से क्लेयर ने पुलिस के शरण आ जाना मंजूर कर लिया है। दाल में कुछ काला मालूम होता है, क्यों? सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है। जमुना प्रसाद जी चलो, मैं तैयार हूँ। चलो, मगर याद रखना, अगर कुछ धोखा दिया तो लात मार कर शहर के बाहर धकेल दूंगा। तो दिनेश डाकू है। ऐसा दिनेश कैसे गिरफ्तार हुआ? डाकू है जरूर, इसमें भी कुछ भेद है। ये नया बड़ा राज है। अरे ये तो डाकू दिलेर है। जमुना प्रसाद जी, ये कैसे गिरफ्तार हुआ? क्यों नाहक सर खा रहे हो? जाओ अपना काम करो, पुलिस के सामने सब हाल मालूम हो जाएगा। जाओ। जरूर, दादोजी के सिवाय इस बदमाश को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। खबरदार, जो फिर इनको बदमाश कहा तो दिलेर अपनी राजी खुशी से गिरफ्तार हो गया है। दिलेर डाकू खुद बहुत गिरफ्तार हो गया। मालूम तो ऐसा ही होता है, जरूर इसे कुछ राज होगा। क्या हो रहा है भाई? डाकू दिलेर अपनी राजी खुशी से पुलिस के शरण आ गया है। हो भाग्य। धन्य है दिलेर, आज तुमने अपनी दिलेरी का पूरा सबूत दे दिया है। डाकू का पेशा छोड़ देना, डाकू बने रहने से ज्यादा हिम्मत का काम है बेटा। अब मैं खुद केदारनाथ जी के पास जाकर तुम्हारी माफी के लिए प्रार्थना करूंगा। थैंक यू पंडित जी। फिर तो इन दोनों को प्रेम करने का और भी अच्छा मौका मिलेगा। बदमाश नहीं बेटा। राम जी, मैं तुम्हें केदारनाथ जी के पास जाने के लिए मना करता हूँ। क्यों? अगर एक भुला हुआ मुसाफिर सीधी राह पर आ जाए तो इंसान का फर्ज है कि उसको सहारा दे। मुझे तुम्हारी फलसफियाना बातें सुनने की फुर्सत नहीं है। मुझे तो सिर्फ एक ही बात से मतलब है, और वो ये है कि मेरी बेटी और ये बारवटिया फिर कभी इकट्ठे न होने पाए। आप गलती पर हैं पिताजी। जेल की सजा पूरी हो जाने पर दिलेर की पत्नी बनने का मैंने फैसला कर लिया है। मधुरिका, अगर तुम्हारा यही मुबारक इरादा है तो केदारनाथ जी के पास जाकर इस शुभ काम को अंजाम देना मेरा अखलाकी फर्ज होगा। खबरदार सेवग्राम जी, मैं तुम्हें आखिरी बार कह देता हूँ कि इस बात का ख्याल छोड़ दो। ये नामुमकिन है। तो मैं नामुमकिन तो मुमकिन बनाकर ही छोड़ूंगा। क्या आप ये नहीं जानते कि पुलिस चुकी है?
छोड़ दो मुझे, खामोश हो जाइए। खामोश जाऊँ दादू जी, मैं खामोश जाऊँ? इसने मेरी खुद को नचाया है, इसने मेरी इज्जत पर बात कर दी है, तुम मुझे खामोश होने को कहते हो? ये बार बार क्या जानते रहती है तुमला प्रसाद जी? और मेरी बेटी हो जाएगी। दादू जी, शाहबाज दादू, तूने तो भारी काम किया। आप ही का इकबाल है सरकार, दिलेर के कैद हो जाने से माधुरिका का अभिमान जीतना मेरे लिए आसान हो गया है। सरकार, गुस्ताखी ना हो तो कुछ कहूँ। माधुरिका का मामला तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन प्रिंस रंजीत एक बार यहाँ आ गया तो हिसाब किताब का सारा भांडा फूट जाएगा। आह, प्रिंस रंजीत, जो आदमी कृष्ण कुमार जैसे गधे को अपना कासिद बनाकर यहाँ भेज दे, उसकी कौन परवाह करता है। फिर भी आपने हीरापुरी से स्कूल की मदद के लिए जो 10,000 रुपए मंगवाए थे, वो आज तक रजिस्टर किताब में दर्ज नहीं किए गए, उसका क्या? और 2 साल में सब मिलाकर आप 50,000 रुपए टैक्स के बहाने प्रजा से वसूल कर चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 10,000 खजाने में जमा किए गए। बाकी 40,000 का हिसाब दुनिया की तरह गोल है माई बाप। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी, मैं आपसे दिलेर के बारे में कुछ कहने आया था, आपसे उसकी माफी के लिए। मालूम होता है कि इसने हमारी तमाम बातें सुन ली। मैं तो कुछ भी नहीं सुनना चाहता था, मगर फिर तो हमारी लुटिया डूब गई माँ बाप। अपराध न करो, पकड़ रखो इसे। खबरदार, एक शब्द भी मुंह से निकाला तो जान से जाएगा। अब वक्त आ गया है कि जिंदगी की बिसात पर परेश का आखिरी पासा फेंका जाए। दादू, आज ही रात को तुम डायमंड टाउन जाकर सेवकराम का घर जला दो, और तारेलाल, तुम जमुना प्रसाद को सेवकराम का खूनी जाहिर करके गिरफ्तार कर लेने का इंतजाम करो। जेल की 4 दीवारी में दिलेर और जमुना प्रसाद के कैद हो जाने से माधुरी का खुद ब खुद मेरे हत्थे चढ़ जाएगी। क्या दिमाग पाया है सरकार ने। दादू, इसे अपने अड्डे पर ले जाओ और सख्त निगरानी रखो। जाओ जल्दी जाओ। सरकार, गुस्ताखी ना हो तो कुछ कहूँ। क्या सिर्फ घर जलाने से जमुना प्रसाद सेवकराम का खूनी साबित नहीं हो सकता? यानी खून साबित करने के लिए लाश का होना जरूरी है। तो फिर वहाँ एक लाश भी जरूर होगी। तेरी वफादारी, मैंने तुझे घर जलाने भेजा और तू यहाँ चोरी कर रहा है। मगर सरकार, मैं तो घर भी जलाने वाला था। बेवकूफ, इतना ख्याल नहीं आया कि चोरी करने से जमुना प्रसाद के बदले किसी चोर पर खून का शक होता। सरकार, इतने से अपराध के लिए आप मुझे भरी सजा तो न देंगे? नहीं नहीं, डरते क्यों हो इस अपराध के लिए? कभी नहीं, मगर तुम्हारे इस अपराध ने मुझे इतना मौका तो जरूर दे दिया है
कि मैं एक ऐसे आदमी को अपने रास्ते से हटा दूं जिस पर मेरा सारा रास्ता ही रहे। सरकार मंजर है सूरत तक नहीं पहचानी जाती। राधा
अगर मेरा पास चले तो ऐसे तमाम घर जलाने वाले हथियारों को लात मार कर शहर के बाहर फेंक दूं। तो फिर तुम्हें अपने आप को ही लात मारनी पड़ेगी। हैं? जमुना प्रसाद जी, मैं तुम्हें सेवकराम का घर जलाने और उसका खून करने के अपराध में गिरफ्तार करता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? सारे डायमंड टाउन पर रोशन है कि तुमने आज सवेरे ही सेवकराम का खून करने की धमकी दी थी। मगर वो तो सिर्फ कहने ही की बात थी। ये सब अदालत में कहना। मैं दिलगिर हूँ जमुना प्रसाद जी, मगर अब तो शरण हो जाने में ही आपकी शोभा है। कुछ भी हो माधुरी का, मैं तुम्हारे पिताजी को खूनी नहीं मान सकती। जरूर इसमें भी कुछ धोखा है, मैं निर्दोष हूँ। इसका तो मुझे पूरा विश्वास है पिताजी, आप बेफिक्र रहिए। मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि जब तक असली खूनी को न ढूंढ निकालूंगी, चैन से न बैठूंगी। ले चलो। हाँ 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 हाँ। अगर मेरा पास चले तो इन ले चलो वालों को लात मार कर शहर के बाहर धकेल अबे वो बुड्ढे, अब यहीं चिपक के रहना, वरना पंडित जी महाराज अच्छी तरह लड्डू का भोजन खाना पड़ेगा। भाइयों, अब हम बहुत थक गए हैं, चलो एक तो जाम चलाए। यामलिया तो पीले बंदे, चरनी का क्या काम बंदे, जीवन है एक जाम बंदे, जीवन है एक जाम बंदे, जीवन है एक जाम। कर सर कर ले तू जीवन का मैदान बंदे, जीवन का मैदान। नहीं खोलो के दुनियादारों के है काम बंदे, दारू की है काम, दारू की है काम, ये बोतल से काम बंदे, जीवन है एक जाम बंदे, जीवन है एक जाम बंदे, जीवन है एक जाम। शराबी होश का पासा, जब तक सासा तब तक प्यासा, क्यों झिझके नादान, भला तू ले बोतल से काम बंदे, जीवन है एक जाम बंदे, जीवन है एक जाम।
अगर मैं तुम्हारी कुछ सेवा कर सकता हूँ तो कहो। वाकई तुम बहुत शरीफ आदमी हो कृष्ण कुमार। कभी कभी तुम बड़े बेवकूफ मालूम होते हो। क्या बात कही आपने। फिर भी तुम इतने भोले भाले हो।
कि मैं तुम्हें दिलो जान से अपना खैर खा मान लेती हूँ। थैंक यू जी। तो अब मैं थैंक यू सॉरी थैंक यू अरावल फिर मिलूंगा सॉरी। फिर क्या हुआ? उसने खिड़की में से ये रुमाल फेंका, देखो मुझे यहाँ कैद कर रखा है, बचाओ सेवक राम। माफ कीजिएगा मैं अपनी छतरी भूल गया था। आदाब ओह 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 माफ कीजिएगा आदाब। रुमाल तो पंडित जी का ही मालूम होता है और दस्तखत भी। तो चलो दुश्मनों का डब्बा भी कर दे और केदारनाथ को अप्रैल फुल बना दे। नहीं, सेवक राम की जान खतरे में है, सबसे पहले हमें उनको छुड़ाना चाहिए। सुनो आओ आओ भाइयों आओ आओ सुनो और से सुनो, प्रेमचंद जी सिंह जी के पास में बुरी खबर आई है। आओ आओ सुनो भाइयों, प्रेमचंद जी सिंह की तरफ से ये खत आया है हमारे होशियार कासिद कृष्ण कुमार को। प्रेमचंद जी सिंह की तरफ से आशीर्वाद। डायमंड टाउन की कदरदान प्रजा हमसे जो प्रार्थना कर रही है के नए लगान के बारे में हम खुद आकर फैसला करें, उसे हम खुशी से स्वीकार करते हैं। शिकारगाह से फारिग होकर हम सीधे डायमंड टाउन 16 तारीख को 11 बजे पहुंच जाएंगे, ताकीद है। मगर 16 तारीख तो कल ही है। तो चलो अपनी सरकार का स्वागत करने के लिए जल्दी इंतजाम करें। सुनो सुनो वो आ गई है, मैंने अभी अभी उसे देखा है। कौन वो? वही मुंबई वाली। ये क्या कर रहे हो, कुछ वजह तो बताओ। खबरदार अगर मुझसे आवाज निकाली तो। मगर इसे कहां छुपाएंगे, ये जगह अच्छी है। हाँ बिल्कुल ठीक है, उठाओ उठाओ जल्दी भाग। ठीक है पंडित सेवक राम कहाँ है? पंडित सेवक राम बम्बई वाली ने हटाने का ठेका कब से ले रखा है? देखो बाबा ये है डायमंड टाउन की डायमंड क्वीन और तुम हो इन मीन 3.5। अच्छे मियां बन जा और पंडित जी को हवाले कर दो। अगर यही जिद है
तो तुम ही ढूंढ निकालो। भाइयों, कीमती वक्त खाली बर्बाद हो रहा है, तो चलो अन्ना मन्ना खेले। Thank you.
हमारी सरकार की गद्दी पे बैठना चाहता है। ओहो, आज तो पोशाक की शानदार पहनी है, देखिए ना। प्यारे प्रजाजनों, असली प्रिंस रंजीत तो मैं हूँ और असली कृष्ण कुमार तो ये महाशय हैं। विलायत से तालीम पाकर 10 साल के बाद जब मैं अपने देश वापस लौटा तो आप लोगों की तरफ से मुझे लगातार शिकायतें पहुंचने लगी। मैंने सोचा कि मैं खुद भेष बदल कर जाऊं और सारा हाल मालूम कर लूं। ईश्वर का लाख लाख उपकार है कि मैं अपनी प्रजा के दिल की बातें जानने में कामयाब। अरे कृष्णा कुमार, हमारे सरकार है। अरे ये तो सिनेमा का खेल हो गया। अरे ये तो सच्चा राजकुमार है। अरे जमुना प्रसाद और दिलेर डाकू को पुलिस की हिरासत से ले आइए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ ना, और कभी कभी तुम्हें बड़ा बेवकूफ मालूम होता हूँ। आओ आओ प्रजाजनों, सब अंदर चलें। चलो भाइयों चलो, फैसला हो जाएगा। अरे दयालु महाराज, फैसला हो जाएगा। हे 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 हे, समझ में नहीं आता माधुरी का कहाँ होगी। माधुरी का आते ही होगी, अगर वो नहीं तो प्रजातंत्र का सबक कौन सिखाएगा। अगर मेरा बस चले तो इन तमाम आदमियों को लात मारकर शहर के बाहर धकेल दूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे दयालु सरकार प्रिंस रंजीत सिंह कहाँ है? जमुना प्रसाद जी, आप ही प्रिंस रंजीत हैं। आपकी सेवा में हाजिर। सरकार की जय हो। सरकार,
मुझे डर है कि इस बारवर्जे को आजाद रखने से शायद फिक्र न करो केदारनाथ जी, दिलेर पर मुझे पूरा विश्वास है। उठो शेर दिल जवान, याद है दिले जबकि पहले दिन तुम्हारी हमसे मुलाकात हुई थी मोटर में, तुमने क्या कहा था? चोर तो तुम्हारे अफसर केदारनाथ जी हैं, जो सरकार मेरे केस का फैसला एक डाकू की जबानी पर न होना चाहिए। कहने दो केदारनाथ जी, सब कुछ जी भर के तुम्हारे खिलाफ कहने दो, फिर मैं तुम्हें भी अपना बचाव करने का पूरा मौका दूंगा। ईश्वर हमारे दयालु सरकार को हमारे सर पर कायम रखे। गालिब केदारनाथ के अत्याचारों का बयान करने के लिए मेरे पास काफी शब्द नहीं है, इसी की करतूतों की वजह से मुझे डाकू बनना पड़ा है। 17 साल पहले यही मेरी जिंदगी का किस्सा है। ये सब केदारनाथ जी की कारवाई है, इसने हमारे संसार का नाश कर दिया है। अरे तो चक्कर में गंदगी का बन गए, अरे वो निकल गए। लगान के बहाने पैसे निचोड़ कर हमें खाक में मिला। अरे कैसे गिर गए, अरे 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 तुम लूमा के सब्जी बेचे आ जाएंगे। अरे उठो, अरे अरे आओ भाई सेवक राम, नहीं तो हमारा काम हो जाएगा। था आओ जल्दी, आओ जल्दी, आओ जल्दी, आओ जल्दी, लगाओ जल्दी लगाओ। सरकार बिना सबूत इल्जाम लगाया जाता है। बस करो केदारनाथ, राज ने जो तुम पर विश्वास रखा था उसका तुमने भंग किया है। तुम्हारे ही जैसे लोगों के अफसर जाने से हमारी बेइज्जती होती है। प्रजाजनों निश्चिंत रहिए, मैं सबके साथ पूरा इंसाफ करूंगा। ओ मेरी भाई, अरे हम सब जगत हो जाएंगे। चलाओ मेरी भाई, तुम चलाओ। अरे अरे तुम्हें चलाओ मेरी भोला, नहीं तो साफ हो जाएगा हमारा खाना।
मेरे पिताजी पर झूठा आरोप लगाया था। ये सब केदारनाथ की चालबाजियां हैं। गिरफ्तार कर लो इन्हें। मिस्टर केदारनाथ, सबसे भारी पाप तो तुमने ये किया है कि अपने स्वार्थ के लिए लंगूर लाल जैसे गरीब बेवकूफ को पुलिस की वर्दी पहनाकर अफसर बना दिया है। महाराज की दोहाई, महाराज की दोहाई। लंगूर लाल, तुम्हें अपनी गलती की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। महाराज की दया, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। पेट केदारनाथ जी जो कहते थे वो पेट के लिए हम करते थे। बंबई वाली, वो भाग रहा है।
होगा देखो सामने क्या गोरख धंधा हो रहा है। Ha ha ha!